नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम इंस्टेंट दही बड़े बनाएंगे। दही बड़े हम उड़द की दाल से और मूंग की दाल से इन्हें भिगोकर पीसकर बनाते हैं, लेकिन आज हम सूजी के दही बड़े बनाएंगे। ये बहुत जल्दी बड़ी आसानी से बन जाते हैं, तो आइए दही बड़े बनाना शुरू करते हैं। सूजी के दही बड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम सूजी को एक प्याले में डाल देंगे। 180 ग्राम सूजी है और इसमें हम एक कप दही डालेंगे। मिक्स कर लेते हैं। 3/4 छोटी चम्मच नमक लिया है, यह स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, 2-3 हरे मिर्च बारीक कटे हुए। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलाएंगे। बैटर को हम 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि हमारी सूजी फूलकर तैयार हो जाए, और इसके बाद हम वड़े बनाएंगे। हमारा बैटर तैयार है। ये हमने 1/4 छोटी चम्मच से भी कम बेकिंग सोडा लिया है, ये भी डाल देते हैं। मिक्स करते हैं। वड़े बनाने के लिए हम एक कटोरी के ऊपर, कोई भी कटोरी ले लें इस तरह की, और ये गीला कपड़ा करके हम इसके ऊपर इस तरह लगाएंगे, पीछे की ओर कपड़े को कटोरी पर कसते हुए पकड़ लेंगे, और इसके ऊपर हम और थोड़ा सा पानी लगाएंगे। कपड़ा अच्छी तरीके से गीला होना चाहिए, और हम इसमें से 1 या 1.5 चम्मच इसके ऊपर रखेंगे। वड़े अपनी पसंद के अनुसार थोड़े से बड़े या थोड़े से छोटे बनाए जा सकते हैं। इसको हम गोल शेप देंगे। उंगलियों को पानी में डुबाएंगे और इस तरीके से वड़े को गोल आकार दे देंगे। और अब हम इसे तलने के लिए डालेंगे। तो हम तेल गरम करने के लिए रख दिया है। इस तरीके से हाथ कढ़ाई के ऊपर लाकर देख सकते हैं, तेल गरम हो गया है, हाथ के ऊपर हीट आ रही है, और गैस हम मीडियम रखेंगे। तो पहले एक बड़ा हम कढ़ाई में डालते हैं। तेल अच्छा गरम है, और सारे बड़े हमें इसी तरीके से कपड़े को गीला करके और उनको थोड़ा गोल आकार देकर तैयार करने हैं। और वड़ा जब नीचे से ब्राउन हो जाएगा तब उसे पलट देना है। वड़ों को दोनों ओर से अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। वड़ों को निकालकर हम प्लेट में रख लेते हैं। वड़े को हम पानी में डाल देते हैं ताकि ये नरम फूलकर तैयार हो जाए। ये बड़े हमारे तलकर तैयार हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। वड़े पानी में डूबे रहने चाहिए ताकि ये फूलकर तैयार हो जाएं। अब हम इस बैटर से पकौड़ियाँ बनाएंगे। तो इन्हें बनाने के लिए हाथ को थोड़ा सा गीला करेंगे और हाथ में थोड़ा सा बैटर लेंगे, गोल करेंगे और इस तरीके से डाल देंगे। पकौड़ियाँ गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, इन्हें भी निकाल लेते हैं, और इन्हें भी हम भीगने के लिए पानी में डालेंगे। वड़े मुलायम हो गए हैं, इन्हें हम पानी में से निकाल लेंगे। तो इनको हम थोड़ा सा निचोड़ कर निकालेंगे। पानी में डालने से ये मुलायम हो जाते हैं, दूसरा इनका तेल भी पानी में निकल जाता है। यानी कि अगर हम हेल्थ कॉन्शियस हैं और ज़्यादा तेल नहीं खाना चाहते, तब हम बड़े बड़े आसानी से खा सकते हैं, हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी। इस तरीके से हम निकाल कर प्लेट में रखेंगे। ये पकौड़ियाँ भी हम इसी तरीके से हल्का सा दबाकर पानी निकालेंगे और रख लेंगे। ये वड़े हमें पानी में बहुत ज़्यादा देर तक के लिए नहीं डालने हैं, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे और इन्हें साबुत निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये हमारे दही वड़े सर्व करने के लिए तैयार हैं। तो अब हम इन्हें सर्व करेंगे। तो हम दही वड़ा प्लेट में रखेंगे। एक दही वड़ा सर्व करना चाहते हैं तो एक कर सकते हैं, दो रखना चाहते हैं दो रख सकते हैं, और इसमें हम दो पकौड़ियाँ भी रख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर दही डालेंगे। दही हमारे पास गाढ़ा है तो बहुत अच्छा है, दही को हमने फैट कर लिया है। और अगर दही हमारे पास ऐसा लग रहा है कि पतला है, तो दही को हम थोड़ी देर कपड़े में बांध लें तो उसमें से एक्स्ट्रा वाटर निकल जाएगा,
इसके बाद हम उसे फैट कर ले लें। तो ये हमारा गाढ़ा फेंटा हुआ दही है। दही को हम वड़े के ऊपर डालेंगे। इसके बाद हम मीठी चटनी डालेंगे। मीठी चटनी इमली से या आम की खटाई से या खजूर से बनाई जाती है, और ये सारी चटनियाँ आप मेरे वेबसाइट पर देख सकते हैं। और अब हम डालेंगे हरे धनिए की तीखी चटनी। इसे बनाना भी आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। और ये हमारे दही बड़े की प्लेट खाने के लिए तैयार है। बहुत अच्छे दही बड़े बने हैं और इन्हें बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो आप सूजी के दही बड़े बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।